1 दिसंबर से अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल प्लाजा से गुजरते हैं और अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा। आपका फास्टैग कुछ इस तरह का होगा। ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे गाड़ी की विंडशील्ड पर कुछ इस तरह से लगाया जाता है। गाड़ी जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरेगी तो टोल प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड कर लेंगे और आपका ऑनलाइन ही टोल टैक्स पे हो जाएगा। फास्टैग दरअसल आपके डिजिटल वॉलेट की तरह है जिससे आप डिजिटली टोल भर सकते हैं। फास्टैग से टोल प्लाजा पर आपका समय और ईंधन तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन प्रदूषण को लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। देश भर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लगभग 535 टोल प्लाजा हैं, जहां से रोजाना लगभग 70 लाख गाड़ियां निकलती हैं। माना जा रहा है कि फास्टैग के आने के बाद में रोजाना इन 70 लाख गाड़ियों का 3.5 लाख घंटे का समय बचेगा। इसके अलावा हर साल 75,000 करोड़ रुपए का ईंधन भी बचेगा और जानकार मानते हैं कि फास्टैग आने के बाद में प्रदूषण में भी 20% की कटौती होगी। अगर आज की तारीख में हम बात करें तो किसी भी गाड़ी को औसतन 4 मिनट का समय लगता है टोल प्लाजा से टोल भर के गुजरने में। जब फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा तो हर गाड़ी के लिए टोल भरने की प्रक्रिया महज 1 मिनट से कम की रह जाएगी। यानी कि ये जो 70 लाख गाड़ियां जो रोजाना इन टोल प्लाजा से गुजरती है, ये 3-3 मिनट रोजाना के बचा पाएंगी। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश जैसे कि अमेरिका, यूरोप, चीन, सिंगापुर, जापान, कोरिया इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं टोल भरने के लिए। देश के सभी नेशनल हाईवेज पर कियोस्क लगाए गए हैं जहां से आप फास्टैग को खरीद सकते हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के माई फास्टैग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आपको ये जानकारी मिल सकेगी कि आपके घर के आसपास कहां पर आपको फास्टैग मिल सकेगा। देश भर के अंदर 28,000 से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल बनाए गए हैं जहाँ से आप फास्टैग को खरीद सके। फास्टैग के साथ में 22 बैंकों को जोड़ा गया है और आप इन तमाम 22 बैंकों की शाखाओं पर जाकर के एक तरह से फास्टैग को खरीद सकते हैं। आप पेटीएम और अमेजन जैसी मोबाइल एप्लीकेशंस में जाकर के भी फास्टैग ऐप को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। फास्टैग खरीदने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, यानी कि सबसे पहले आपको RC की कॉपी देनी होगी। दूसरा, गाड़ी जिसके भी नाम पर है उस मालिक की 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी होगी और KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी आपको उपलब्ध कराने होंगे। 1 दिसंबर तक आपको फास्टैग के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि 1 दिसंबर के बाद आपको फास्टैग इशू करवाने के लिए 100 रुपये देना होगा। 200 रुपये तक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा जो कि रिफंडेबल होगा, और साथ ही साथ कम से कम 100 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा। माई फास्टैग ऐप के जरिए आप अपने फास्टैग को ऑनलाइन भी रिचार्ज करा सकते हैं। हालांकि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर माई फास्टैग ऐप से अपने फास्टैग को रिचार्ज करवा सकते हैं। आप जब भी फास्टैग के माध्यम से टोल पे करेंगे तो आपको 2.5% तक का कैशबैक भी मिलेगा। अगर आपको अपने फास्टैग को इस्तेमाल करने में कोई परेशानी आ रही है या फिर अगर आपका फास्टैग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप इसकी शिकायत को 1033 टोल फ्री नंबर पर जाकर के दर्ज करा सकते हैं और तमाम जानकारियां भी इस टोल फ्री नंबर से आप प्राप्त कर सकते हैं। फास्टैग वन नेशन वन टैग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो कि देश को गति देने का काम कर रहा है। आप भी फास्टैग अपनाइए।